दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज एक बेहद खास जानकारी आपको देंगे। ये जानकारी है एक ऐसे योग के बारे में, जन्म कुंडली में अगर ये योग होता है तो ऐसे लोगों की कुंडली में होता है जो बिन मांगे सलाह देते हैं, लोगों को फ्री का ज्ञान बांटते हैं। आपने कई बार ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में आते हुए देखे होंगे जो आपको फ्री की एडवाइस दे देते हैं। आपने पूछा नहीं उनसे कि इस काम को कैसे करें या इसमें क्या हमें करना चाहिए, और वो फ्री में आपको एडवाइस देते हैं, मतलब बिन मांगे सलाह देते हैं। भले ही उन्हें आपके कार्य क्षेत्र के बारे में 0% भी अनुभव ना हो या 0% भी आपके बारे में जानकारी ना रखते हैं या आपके काम के बारे में, तब भी वो आपको एडवाइस दे देते हैं। कौन से ऐसे लोग होते हैं, कौन से ऐसे योग होते हैं जिनकी कुंडली में, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक योग मैंने खुद शोध किया है, जो योग आपकी कुंडली में, जिस व्यक्ति की कुंडली में होगा वो व्यक्ति ऐसा होता है, और इस योग के साथ में दो राशियां बताएंगे। अगर उन दो राशियों के लोग भी हैं तो उनके अंदर भी ऐसे गुण पाए जाते हैं। दो राशियों के लोग भी ऐसे ही होते हैं जो बिन मांगे सलाह देते हैं। अब ये अच्छी आदत तो नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो वो अपने तरीके से कर रहा है, उसके अंदर वो अक्ल है, इसीलिए वो किसी से सलाह नहीं मांगना चाहता है। कई बार अच्छे लोग होते हैं, वो सलाह बिन मांगे दे देते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं देते हैं जिस तरीके से किसी को गलत लगे, चीज़ों को समझ करके देते हैं। अब मान लीजिए कोई लोग ऐसे भी सलाह दे देते हैं, बिन मांगे सलाह देने वाले लोग, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ खुद नहीं किया है लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस व्यक्ति, बहुत अच्छी सफलता की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति या अपने जीवन में बहुत अच्छा करने वाला व्यक्ति, उसे जाकर के सलाह देने लगते हैं। ऐसे लोग होते हैं मूर्ख, जो खुद ज़िंदगी में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया या खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को सलाह देने लगते हैं, वो भी बिना मांगे। ऐसे जो लोग होते हैं वो ख़राब होते हैं, वो आपके लिए भी ख़राब होते हैं और वो अपने लिए तो ख़राब हैं ही। तो अगर ऐसा कोई दोष है, ये एक तरह का दोष है जो आप बिन मांगे सलाह देते हैं किसी को, इससे आपका व्यवहार, आपके प्रति लोगों का व्यवहार खराब होता है। आपके दोस्त आपको बहुत ही बुरा और बहुत ही बुरी नज़र से देखने लगते हैं, अगर ऐसा कोई व्यवहार आपका होता है। अगर ऐसे योग हैं या इन राशियों के लोग भी आप हैं, दो राशियों के, तो आपको सुधार करना चाहिए आपके अंदर, और सुधार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो नेचर है आपका, जो थोड़ी बहुत स्थितियां अगर आप सुधार कर लें, क्योंकि अगर बिन मांगे सलाह आप देते हैं और वो सलाह आप खुद भी मानते हैं, अपने जीवन में उस सलाह से आपने कुछ सीखा है, तब तो आपको निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा। आप अगर सक्सेस व्यक्ति हैं, आपने खुद कहीं ना कुछ किया है या अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, तब वो कहीं ना कहीं आपके लिए सही रहेगा किसी को बिना मांगे सलाह भी देना। लेकिन वैसे किसी को बिना मांगे सलाह देनी ही नहीं चाहिए। ये दो राशियां हैं, आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा सच है, क्योंकि कई बार तो बिन मांगे सलाह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बिन मांगे सलाह से अगर आपको किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है और कोई व्यक्ति ऐसा ही आता है एरा गहरा और आपको सलाह देने लगता है कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए और ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। जो व्यक्ति खुद सक्सेस नहीं हुआ है या जिसने कुछ भी नहीं, अपनी सफलता का साव ही नहीं देखा है अपने जीवन में, कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है, और वो व्यक्ति आपको एडवाइस देता है, ना तो उसके अंदर ज्ञान है, ना समझदारी है, बस उसकी सोच है जो वो आपको अपने आप में थमा रहा है, तो ऐसा गलत होता है और ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। दो राशियां हैं, मैं आपको बताता हूं और आप कमेंट बॉक्स में इसकी पुष्टि कीजिएगा। दो राशियां पहले जान लेते हैं, या पहले योग बता देते हैं फिर राशियों के बारे में बताते हैं, योग ज़्यादा सटीक है। चलिए पहले योग बताते हैं, योग कौन सा है वो जो उनकी कुंडली में पाया जाता है, जो लोग बिन मांगे सलाह देते हैं। योग है अगर आपकी या किसी भी व्यक्ति की कुंडली मिथुन लग्न और कन्या लग्न की है, और उसमें स्वराशि बृहस्पति या उच्च के बृहस्पति, यानी कि धनु या मीन राशि के बृहस्पति या कर्क राशि के बृहस्पति हैं, और उस पर शुक्र की और शनि की एक साथ दृष्टि पड़ रही है, या शुक्र की अकेली भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की अगर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, दोनों, तो प्रबल योग बन जाता है। अगर शुक्र की अकेली भी पड़ रही है
तब भी यह घटित पाया जाता है, यह पूर्ण योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बिन मांगे सलाह देता है और ऐसे व्यक्ति से लोग बहुत ज़्यादा किनारा काटने लगते हैं, क्योंकि इनकी एडवाइस किसी को पसंद नहीं आती। ऐसी एडवाइस देते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने हिसाब से चलना चाहता है और उस व्यक्ति को आप अपनी एडवाइस देंगे तो वो परेशान हो जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये तो योग हो गया। राशियाँ कौन सी हैं? दो राशि हैं, एक तो राशि है वृषभ राशि। इस राशि के लोग बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं, फ्री का ज्ञान देते हैं, बिन मांगे सलाह देते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दूसरी राशि है, वो है मीन राशि। मीन राशि के लोग भी ऐसे होते हैं जो बिन मांगे सलाह देते हैं, फ्री में एडवाइस दे देते हैं और ज़रूरत नहीं होती है बोलने की, वहाँ भी बोलने लगते हैं। तो ये दो राशियाँ हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको जानकारी और कितनी जानकारी सत्य है, ये भी बताइएगा। क्या आपने ऐसे योग देखे, आपकी कुंडली में, किसी कुंडली में देखे ऐसे योग, वो भी बताइएगा। और उसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।